हेलो फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी विशेस के लिए। फैमिली के साथ गेट टुगेदर और एक रिलैक्सिंग सा वीकेंड हुआ ओवर और अब वापस आ गए हम अपने डेली रूटीन में। हमने जाना था ऑफिस और नीम ने स्कूल। लंच के लिए मुझे आज बनानी थी उड़द छिलका और चने की दाल, जो मैंने सुबह उठते भिगोती थी पानी में कम से कम एक घंटे के लिए, और साथ ही में ब्रेकफास्ट में बनाना था पनीर का पराठा। बेसिक से मसालों के अलावा पनीर के मिक्सचर में मैंने डाल दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी और अजवाइन। नीर की फेवरेट टिफ़िन बॉक्स आइटम है ये, तो बस आज उसको यही लेके जाने का मन था। नीर भी स्कूल के लिए रेडी हो गया और साथ ही में उसका टिफ़िन बॉक्स भी। ये बस में पड़ेगा, ये लो उसके बैग में डाल लो। बस में उसको मन करता पढ़ने का तो रख दो। वीकेंड पे मैंने बनाया था सोया चाप मसाला और व्यूअर्स ने कुछ टिप्स दिए थे कमेंट्स के थ्रू, तो वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ फॉर योर रेफरेंस। आजकल मॉर्निंग वॉक मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा स्मॉग हो रहा है, तो थोड़े दिन के लिए मैंने अवॉइड किया हुआ है। उड़द छिलका और चने की दाल बनाने के लिए तड़का मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। जीरे और हींग के तड़के के साथ मैंने डाल दिए थे थोड़े से प्याज, उसको अच्छे से भूना और फिर मैंने डाल दिया था पिसा हुआ टमाटर और बेसिक मसाले। लास्ट में डाल दी थी पहले से भिगोई हुई दाल और फाइनली पानी। इस दाल को बनने में लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, तो जब तक दाल बन रही थी मैंने स्टार्ट कर दी थी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस, जिसमें मैंने बनाना था पनीर पराठा और इसमें कसूरी मेथी अजवाइन के अलावा मैंने डाल दिए थे थोड़े से प्याज। मिक्स अचार का मसाला लगा के मैंने पनीर के पराठे की बना दी थी रोली पोली और तब तक दाल भी रेडी हो गई थी, तो बस फाइनली उसको गार्निश किया हरे धनिए से। सब कुछ रेडी था तो बस दोनों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट पैक किया और फाइनली हम चल पड़े ऑफिस के लिए। मॉर्निंग से कंपेयर करें तो इस वक्त थोड़ी सी स्मॉग में फ़र्क होता है। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है आजकल। ये वाला वीक काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जा रहा है क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है। दिवाली वाला वीक है, घर की सफाइयाँ, ऑफिस, नीर के टेस्ट और साथ ही में आज डिलीवर होना था मंदिर, तो काफ़ी टाइट स्केड्यूल चल रहा है आजकल हमारा। लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती, वो है ट्रैफिक जाम। रास्ते में जगह जगह बहुत ही बुरा जाम लगा हुआ था। जाम में फंसते फंसाते हम जैसे तैसे पहुँचे ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर। घर पहुँचे और थोड़ी देर बाद शाम को मंदिर की डिलीवरी भी आ गई थी। जैसा हमने मंदिर का डिज़ाइन बोला था बिल्कुल वैसा ही रेडी हुआ, और हमने बोला था एक स्टेप डालने के लिए मंदिर में, तो वो भी रेडी होके डल गया था। आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लग रहा है मंदिर? अच्छा, सुंदर लगा। ब्लू लाइट है बेटे और कोई भी, वहाँ बहुत सारी लाइट्स थी, हमें ब्लू अच्छी लगी। अच्छे से मंदिर को साफ़ किया, सेट किया और फाइनली नीर को लग गई थी तेज़ भूख और उसको खाना था बर्गर। इंसानियत चैप्टर लर्न कर लिया है हिंदी का? अब आलसी मत बनो। इंसानियत क्या होती है बताओ। चलो ऐसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, पहले सीधा लेटो, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा। जब एक इंसान कोई किसी भी और बंदे को या फिर किसी जानवर, किसी भी लिविंग फिजिकल थिंग को कोई अच्छा एक्शन दिखाता है जिससे उसको हर्ट की जगह अच्छा फील होता है, वेरी गुड, उसे इंसानियत कहते हैं। मतलब किसी की एक तरीके से हेल्प करना या फिर ऐसा उस पर फेवर करना जो कि उसका बहुत ज़्यादा मदद करे या फिर आप उस पर उसको खुश कर सकते हो, इंसान और अदर वेज में हो सकती है। जैसे कोई सैड है उसको खुश करना। सही बात है। पर उसकी तो अब जैसे आपने कभी दिखाई है इंसानियत? कैसे हेल्प कर देना किसी की? कैसे, किसकी करी आपने? तो इतनी सारी हेल्प मेरी करी है। हाँ, घर से दिखाओ इंसानियत, पहले घर वालों की तो हेल्प करो। इंसानियत तो घर से शुरू होनी चाहिए, पहले हमारी हेल्प करो। लंच बॉक्स निकाला है अपने बैग से आपने? निकाला है लंच बॉक्स? मैंने बोला था तो दिया था, आपने खुद से इंसानियत नहीं दिखाई कि मैं खुद से रख दूँ। उसको इंसानियत थोड़ी ना कहते हैं। क्या होती है फिर? आप तो कह रहे हो हेल्प करना इंसानियत होती है। हमें सैटरडे या संडे कोई मॉल में जाना है। अब तो अब यही, अब सैटरडे संडे का अभी से क्या मैं प्लान बताऊं आपको? सैटरडे आपकी पीटीएम तो नहीं है? नहीं नहीं, इस सैटरडे नहीं है, इस सैटरडे नहीं है। जब भी पीटीएम होता है उससे पहले मेरे को बोल देते हो, प्लीज़ 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 ये डिस्कशन मत करना। अब मैंने लिख के रखे हुए हैं और अभी मेरे को करने हैं, इस बारी बहुत हो चुका है आपका।
मूड क्यों ऑफ हो जाता है आपका पीटीएम के नाम पे? ये क्यों खोल के बैठ गए हो? अब हो गया पेंट घर का, इसको बंद करो। अब दीवारें भी गंदी करनी शुरू कर दिया आपने। चलो पापा के सामने करो, पापा के सामने। पापा इधर आना, आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है। बैग संभाल, सुनो इसको बोलो बैग संभाले अब अपना। पर्चे वाली मतलब टाइम टेबल आपके वहीं पे रूम में पड़ा हुआ है। मैंने को भी रिस्पांसिबिलिटी दे दी, जब मैं निभाएंगे तो आपको लेके आने को ड्रॉल भी लेके। कोई इंसानियत नहीं है इस बच्चे के अंदर, जाओ नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है। मियां बहुत काम, पाठ इतने पढ़ा रहा था, ये करना था, खुद इसने कुछ नहीं हेल्प करनी है। लगने तो चोट, अब दांत टूटेंगे पता चलेगा। जो सुनो उसको जो करना करने दो, मैं नहीं संभलवाऊंगी, अपने आप करे। फाइनली आज का दिन हुआ क्लोज और ये पूरा वीक बहुत हेक्टिक जाने वाला है। तो बस ऐसे ही रहा आज का दिन।